told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ के पुर्तगाल में क्या हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं लिडल शॉपिंग करने के लिए। बच्चों के लिए लेनी थी मैंने स्कूल की कुछ स्टेशनरी। वैसे तो सारा कुछ मतलब छोटी क्लासेस में बच्चों को स्कूल से मिलता है, लेकिन जब बड़ी क्लास में हो जाते हैं, अब ज़ैद माशाल्लाह 3 क्लास में आ गया, तो जो कॉपीज़ वगैरह है ना वो इसको हमने खुद लेके देनी है और कलर्स वगैरह भी खुद लेके देने हैं। तो यहाँ पे ये आते ही सामने हमें मिली थी ये कॉपीज़, और यहाँ ये मुझे बहुत प्यारी कॉपी लग रही थी, लेकिन यशवा कह रही थी मामा मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ, मैं इस तरह की कॉपी नहीं लूँगी, मुझे आप सिंपल वाली लेके दें। तो यशवा को सिर्फ एक ही कॉपी चाहिए थी, बाकी वो इस तरह की एक फ़ाइल लेती है, और लास्ट टाइम भी उसने इस तरह की फ़ाइल ही ली थी, तो उसमें उसने फिर सारे जो काम है ना अपने इसमें ही करने होते हैं, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस, उर्दू तो खैर होती नहीं, इंग्लिश, पुर्तगीज़, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो है ना वो पुर्तगीज़ में ही है, साइंस होती है और मैथ होता है, हिस्ट्री होता है, पुर्तगीज़ होता है, म्यूज़िक होता है, जस्ट इतने ही हैं इसके सब्जेक्ट्स। और ये सारे वो एक ही इस तरह की फ़ाइल है उस पर ही मतलब करके आती है, और होमवर्क वगैरह कोई नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे कापियों का ज़्यादा झंझट कोई नहीं है। तो यशवा को सिर्फ़ एक कॉपी लेनी थी और एक ये इस तरह की फ़ाइल लेनी थी, लेकिन ये उसको पसंद नहीं आई, तो फिर अभी हम और चेक कर रहे थे। उसको इस दफ़ा दूसरी लेनी थी जिसमें वो पेपर रख सके, तो अभी हम वो देखेंगे आगे। और यहाँ पे अभी ले रही थी यशवा अपने लिए मार्कर कलर, और ये लेके दिया था हमने जैद को वाटर पेंट, क्योंकि बच्चों के पास यहाँ पे स्कूल में पेंटिंग पे बहुत फोकस करवाया जाता है, इसलिए हर तरह के कलर लेके दिए उसको मैंने जैद को। यशवा ने वाटर पेंट जो है ना वो स्कूल से ही लिए थे लास्ट टाइम, उसके अभी थे तो इसलिए उसने नहीं लिए, क्योंकि जो स्कूल से एक पेपर मिलता है ना उस पर लिखा होता है कि अगर आपके पास बच्चे के पास चीज़ें हैं तो वो वही पुरानी वाले यूज़ करें, नए आप मत लेके दें। तो यशवा के पास थोड़ी थी, थोड़ी नहीं थी, तो इसलिए वो अपने लिए ले रही थी, और जैद को तकरीबन सारी ही चीज़ें जो है ना वो नहीं लेके दी थी। बॉयज़ का आपको पता है फिर उनके काम कैसे होते हैं। और यशवा को लेनी थी ये फ़ाइल, और इसके अंदर फिर खुद ही वो पेपर स्कूल से भी मिल जाते हैं, यहाँ से भी मिल जाते हैं लिडल से, लेकिन उसको लिडल से नहीं मिले थे, अब वो कह रही थी कि मैं स्कूल से ले लूँगी। और ऊपर डार्क कलर वाली फ़ाइल्स भी थी, तो मैंने बहुत कहा बेटा वो ले लो, ये तो इतनी लाइट है, गंदी हो जाएंगी, लेकिन नहीं जी, बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो अपनी पसंद की चीज़ें लेनी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ना मेरे बच्चे तो मेरी पसंद की चीज़ लेते हैं, लेकिन ये एक स्कूल लेके जाने वाली चीज़ थी, फ्रेंड्स के साथ बैठ के उनको दिखानी होती हैं कि क्या क्या लिया है हमने, तो इसलिए मैंने कभी मना नहीं किया। लेकिन मैं देखती हूँ कि वो चीज़ अच्छी है कि नहीं, अगर अच्छी है तो मैं फिर उनकी पसंद की ले देती हूँ, वरना मैं कहती हूँ कि ये अच्छी नहीं है तो बच्चे मेरी मर्ज़ी से ही ले लेते हैं। और ये एक इतना प्यारा यहाँ पे क्यूट बच्चा था, इसके फादर आगे गए हुए थे, वो खाने की कोई चीज़ खरीद रहे थे, और यहाँ पे ना ये कार्टून्स वाली बुक्स थी, तो बच्चा खुद ही एक बुक निकालता था, उसको सारा चेक करता था, और फिर उसकी बुक को ना वापस रख के दूसरी बुक देखने बैठ जाता था नीचे। उसके फादर थोड़ी दूर थे, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको देख लेते थे, और जब वो इसके पास आए ना तो इसको कह रहे थे कि चलो आप खाने की कोई चीज़ ले लो अपनी पसंद से, तो वो कह रहा था मुझे ये बुक चाहिए, तो फिर उसने ये बुक ली थी। और ये बच्चों के मतलब शुरू से आदत होती है कुछ लोगों को पढ़ने की, तो आई थिंक ये बच्चा बड़ा होकर ना बहुत पढ़ाकू बनेगा। जब स्कूल स्टार्ट होने वाले होते हैं ना तो सभी सुपरमार्केट्स पे ये इस तरह ऑफर्स लगी होती हैं, मतलब सभी पे आप कहीं से भी चीज़ें ख़रीदेंगे तो वो आपको ऑफर्स में ही मिलेंगी, मतलब लेस प्राइस में मिलेंगी। तो आज तो इतनी चीज़ें थी यहाँ लिडल में, मैं शायद मैंने कभी पहले गौर नहीं किया, कभी इतना यहाँ से ख़रीदी नहीं मैंने इस तरह की चीज़ें,
इसलिए मुझे कभी इतना ध्यान नहीं रहा कि लीडल में इतनी चीज़ें आती हैं। मेरी फ्रेंड्स वगैरह कहती थी, लेकिन कभी मुझे इतना टाइम नहीं मिला एक्स्ट्रा कि मैं जाके चेक करूं कि दूसरे सेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। हमेशा मुझे बहुत ही जल्दी होती है, या तो बच्चों को स्कूल लेने जाना होता है या मैं उनको ले के यहाँ पर आती हूँ, तो इसलिए मैंने कभी इतनी चीज़ें ना चेक नहीं की, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी। और ये यहाँ पे एक पुर्तगीज़ डिक्शनरी जैसी चीज़ थी, ये जैद की टीचर ने भेजा हुआ जो पेपर उसमें था कि ये भी बच्चे को लेके दें। तो ये डिक्शनरी फिर छोटी सी थी, आई थिंक 5 यूरो की थी, तो फिर एक ये भी जैद को लेके दी थी हमने। यशवा ने तो यूज़ नहीं की, माशाल्लाह ये दूसरा साल, दूसरे से भी तीसरा साल है यशवा का, लेकिन शायद ये छोटे बच्चों के लिए है, तो इसलिए फिर ये हमने जैद को लेके दी थी। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे स्टोरीज बुक भी थी, और जो स्टोरी बुक्स थी ना वो पुर्तगीज़ में ही थी, इंग्लिश में नहीं थी। तो आई थिंक ये अच्छी बात है, बच्चों ने मतलब जो उनके माइंड है वो तो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, तो उनको जो चीज़ हमने मतलब स्कूल जाके उन्होंने सीखनी है तो वही उनको शुरू से ही सिखाई जाए, उनको पुर्तगीज़ ही बुक्स जो हैं स्टोरी बुक वो मतलब उनको दिखाई जाए, जो कार्टून वगैरह हैं वो, तो बच्चे आसानी से जल्दी सीख जाते हैं। आज तो मुझे लग रहा था बिल्कुल ना हम कोलंबो से शॉपिंग कर रहे हैं, इतने कपड़े थे, किचन की चीज़ें थी, बर्तन थे, हर तरह की तकरीबन आज यहाँ पे चीज़ थी। पहले मैंने देखा हुआ है थोड़ा बहुत, चक्कर जाहिर है लगा ही लेता है इंसान, लेकिन इतनी चीज़ें मैंने पहले कभी नहीं देखी, और उनकी प्राइस भी अच्छी थी, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। और मतलब बर्तन तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों यहाँ पर इतने महंगे हैं। मैंने एक दफ़ा आसिम को बताया कि 29 यूरो की यहाँ पे ना एक देश की टाइप चीज़ थी, जिसमें मतलब एक या दो किलो चीज़ पक जाए, तो कहते हैं देखो भाई तुम्हें गलती लगी होगी या फिर ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने बड़े गौर से देखा था, 29 यूरो ही था उसका प्राइस। तो फिर आज मैंने वीडियो में जब मैं बना के लाई ना, तो फिर मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा देखें भाई आप कहते थे इतनी प्राइस नहीं होती, तो देखें 29 यूरो। और ये 3 बकेट थी, 3 यूरो की थी 3, तो जो बड़ी वाली थी वो 2 थी 3 यूरो में। तो पता नहीं क्यों यशवा ने ले ली, मामा मुझे पसंद है लेने, तो फिर है जी बच्चों की बात फिर टाल भी नहीं सकता इंसान, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसमें रखना क्या है, क्योंकि छोटा सा घर है, मुझे तो वैसे भी जो चीज़ें हैं वो रखने की इतनी टेंशन लगी रहती है कि इस चीज़ को मैं कहाँ पे रखूँ, लेकिन फिर है हमने ले ली थी। वॉच बहुत प्यारी प्यारी थी, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मशीन भी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और ग्लासेस भी थे, मतलब आप नंबर अगर आपको आपके ग्लासेस का पता है ना, तो वो नंबर आप यहाँ से चेक करके तो अपने ग्लासेस ले सकते हैं। वैसे भी पुर्तगाल में ये नज़र चेक करवाना जो है ना ये बहुत महंगा है, मतलब ग्लासेस लगवाना, अगर आपको नंबर पता हो ना तो फिर आपको लाजमी ऑनलाइन ही आप ऑर्डर करके मंगवा लेनी चाहिए, वो बहुत अच्छी ग्लासेस होती हैं, मैं तो वहीं से मंगवाती हूँ, और आए दिन डिज़ाइन भी चेंज करवाते रहते हैं। तो बस आपको आपका नंबर पता हो ना तो आप ऑनलाइन किसी भी ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना वहाँ से आप मंगवा सकते हैं अपने। यहाँ पे भी लीडर में ये था कि हर डिब्बे के ऊपर ना नंबर लिखा हुआ था, उसी नंबर से फिर आप यहाँ से भी अपने ग्लासेस ले सकते थे। और आज तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पे, और हर तरह की चीज़ें थी, मतलब जौन सी भी चीज़ आपको चाहिए अपनी ज़रूरत ज़िंदगी के लिए सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी, और प्राइसेस भी बहुत नॉर्मल थी, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं थी। पता नहीं क्यों बॉयज़ की चीज़ें हर जगह पे बहुत कम होती हैं, कोलंबो चले जाएं फिर भी गर्ल्स की चीज़ें नज़र आएंगी, और किसी जगह शॉपिंग करने चले जाएं फिर भी गर्ल्स की ही चीज़ें नज़र आएंगी। मुझे लगा कि ये लॉन्ग निकल ना शायद बॉयज़ के लिए है, तो जैद के लिए ले लेती हूँ, मगर ये भी गर्ल्स के लिए थी। जैद के लिए घर के लिए मुझे चप्पल चाहिए, वो मैं ढूंढ रही हूँ आजकल, लेकिन हर जगह ना गर्ल्स की हैं बॉयज़ की कोई नहीं है। ये आपको अभी मैंने जो देश की दिखाई आप देख सकते हैं इसकी प्राइस क्या थी, मतलब बर्तन पता नहीं क्यों इतने महंगे हैं यहाँ पे। किचन के रिलेट तो हर चीज़ थी यहाँ पे, जौन सी चीज़ आपको चाहिए ना अगर आप इन दिनों लीडर का विज़िट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। इस तरह की नाइफ्स अक्सर मैं ना नौश के व्लॉग्स में देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं,
और वो कटिंग इतना स्मूथली कर रही होती है ना कि मेरा दिल कर रहा था ले लूं, लेकिन मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं थी इनकी। मेरे घर बहुत सारी पड़ी थी और ये टेबल कवर्स भी थे यहाँ पे, और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। जब इंसान ये सारी चीज़ें देखता है ना तो दिल चाहता है सभी ले लो, मगर कोई इतना रखने की जगह भी नहीं और अभी कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं थी इनकी, इसलिए फिर मैंने नहीं ली। ये एक यहाँ पे कढ़ाई थी और 24 यूरो की। इसका साइज़ भी कुछ इतना बड़ा नहीं था लेकिन इसकी प्राइस बहुत बड़ी थी। जूते यहाँ पे मुझे नज़र आ गए थे लेकिन ये जैद के साइज़ के नहीं थे, बहुत बड़े थे, इसलिए फिर आज हमने यहाँ से भी नहीं ली है। और अब फिर आई थिंक मुझे ना कलम्बो ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुशंस भी थे, बहुत प्यारे थे, और स्कूल बैग तो बहुत ही प्यारे आए हुए थे, लेकिन यश और जैद दोनों ने ले लिए हुए थे फिर, इसलिए ये भी हमने नहीं लिए। और फिर यहाँ पे ना ये स्मॉल बैग्स भी थे बच्चों के लिए, तो ये फिर लिया था मैंने एक, क्योंकि बच्चों ने ना काफ़ी जब बाहर जाना होता है ना तो अपने सारे मोबाइल्स वगैरह सब कुछ अपने कार्ड मुझे पकड़ा देते हैं बार बार, तो इस तरह ये बैग इनको अब ले दिए हुए हैं तो अपने बैग में डाल लेते हैं। तो जैद को पसंद आ गया था तो इसलिए फिर इसको एक छोटा सा बैग भी लेके दिया था। और यहाँ पे ना वो पेंसिल्स भी थी, वो जब हम छोटे थे तो वो 4 पेंसिल एक में ही होती थी ना ये वाली, तो दोबारा कितना खुश होते थे हम इस पेंसिल को देख देख के कि एक ही पेंसिल में 4 कलर है। तो बस ये उसके बाद हम आ गए थे अपने रूटीन के सेक्शन में। मुझे टूथपेस्ट लेनी थी और टूथपेस्ट जो हम पहले यूज़ करते हैं ना वो आज नहीं थी, तो बड़ा देखने के बाद भी नहीं मिली तो फिर हमने टूथपेस्ट भी नहीं ली। फिर यहाँ से मुझे मटर लेने थे एक, ये भी बड़ी सहूलत है यहाँ की, मटर छीले हुए मिल जाते हैं, वरना लेडीज़ के लिए मटर छीलना कोई आसान काम थोड़ी होता है, ये बहुत मज़े की बात लगती है। छीले हुए होते हैं, बस निकालो और जल्दी से पका लो भैया, और इतने महंगे भी नहीं होते हैं, मतलब नॉर्मल प्राइस में ही होते हैं। इस सेक्शन में सारे ये पड़ी होती हैं चीज़ें, नगेट्स वगैरह, फ़िश नगेट्स मैं लेती हूँ, लेकिन थोड़े दिन पहले ही मैं आई थी इसलिए मैं वो ले गई थी। तो चिकन नगेट्स तो ज़ाहिर हम ले नहीं सकते यहाँ पर, वो हलाल नहीं होते। यहाँ से मैं कम ही चीज़ें लेती हूँ, मतलब चॉकलेट्स वगैरह भी नहीं लेती। मार्शमेलोज़ यहाँ पे नहीं ले सकते हम, वो हलाल नहीं होते। ओरियो नहीं ले सकते, वो भी हलाल नहीं होते, इसलिए फिर ऐसी चीज़ें लेने से ना मैं ज़रा परहेज़ ही करती हूँ, क्योंकि वो बहुत चेक करके लेना पड़ता है, इसलिए मैं वो चीज़ें यहाँ से ख़रीदती नहीं हूँ। और फिर यशवा को लेने थे जी अपने लिए कटलेट्स, घर जाके उसको कटलेट्स खाने थे। और यहाँ पे ये चॉपर थे, ये एक तो इलेक्ट्रिक था तो ये मुझे कोई इतना खास नहीं लगा, लेकिन इसके साथ ही ना एक बहुत अच्छा चॉपर था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और इसकी प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल सी थी, 5 यूरो में था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, फिर ये मैंने ले लिया था। आई होप आपने हमारे साथ शॉपिंग को इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।